प्रधानमंत्री की इटली यात्रा पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ श्रीराम चौलिया साहब जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों के विशेषज्ञ हैं। चौलिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर प्रभु दयाल साहब जुड़ गए हैं, सीनियर डिप्लोमेट हैं। डॉक्टर दयाल, प्रोफेसर दयाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्रीराम चौलिया जी, प्रधानमंत्री ने अपने इंटरवेंशन में बहुत साफ कहा, एक विश्व एक स्वास्थ्य। क्या आपको ऐसा लगता है कि वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों से निपटने के लिए एक तंत्र विकसित करने की जरूरत मौजूदा इस महामारी ने तो जताई ही, इससे पहले भी इस पर चर्चा होती रही है, लेकिन क्या लगता है कि ये वक्त इस समय जो समस्याएं विश्व के सामने खड़ी हुई हैं उसमें एक तंत्र विकसित करने की सबसे ज्यादा जरूरत है? जी ऋतु जी, बिल्कुल आपने सही कहा। संकट पिछले लगभग दो वर्षों से अब चली आ रही है और अगर हमें इसके पार निकलना है और पूरे उबारना है तो फिर जरूरी है नया तंत्र, नए सोच। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी हमेशा, जो अंग्रेजी में कहते हैं, कटिंग एज, नए विचारों के साथ जाते हैं इन बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में। और उन्होंने जो वन अर्थ वन हेल्थ का नारा दिया है, ये जरूर देखिए आहिस्ता आहिस्ता प्रसिद्ध होगी, क्योंकि साफ है कि सिर्फ अगर पश्चिमी देश और जो विकसित देश हैं वो अपने लोगों को का टीकाकरण करवा लें तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी समस्या खत्म हो गई है, क्योंकि पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ यातायात है और संक्रमण होता रहेगा। नए नए वो जो वेरिएंट हम कहते हैं, डेल्टा वेरिएंट, फलाना फलाना, तो और आते रहेंगे जब तक कि हम पूरे विश्व का टीकाकरण नहीं कर पाते। इसीलिए G20 ने अभी लक्ष्य रखा है कि अगले वर्ष के मध्य तक 70% विश्व भर में लोगों का टीकाकरण हो। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी ध्येय है और आसान नहीं है इस पर अमली जामा पहनाना, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बड़ा वादा किया है कि अगले वर्ष के अंत तक हम 5 अरब टीके उत्पादन करेंगे भारत के अंदर। 5 अरब टीके, ऋतु जी देखिए, जिस पैमाने पे हम बात कर रहे हैं उससे लगभग विश्व की समस्या हल हो जाएगी। पूरे विश्व की आवश्यकता कोई 11 बिलियन टीकों की बताई जा रही है। अगर भारत 5 बिलियन बना ले उसमें हमारी घरेलू टीकाकरण तो हम बहुत तेजी से वैसे ही कर रहे हैं। 100 करोड़ का हमने अभी मील का पत्थर भी अभी पार किया है। साथ साथ दुनिया की आपूर्ति, दुनिया के लिए फिर से हम आपूर्ति शुरू करने वाले हैं। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी जब कुछ बोलते हैं तो सभी G20 में बड़े ध्यान से सुनते हैं, बहुत गौरव देते हैं कि उन्हें मालूम है कि ये जो वन अर्थ वन हेल्थ का जो नारा है, अगर इसको अगर हमें साकार करना है, ये एक सपना है जिसे साकार करना है, तो भारत के टीकाकरण पर बहुत कुछ निर्भर होगा। भारत की जो टीका उत्पाद की जो क्षमता है उसको बढ़ावा देना होगा। G20 की तरफ से भी वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए हमें। क्वाड देशों से हमने ले रखी है, क्वाड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA और इंडिया, हम चारों ने मिलकर एक लक्ष्य रखा है कि 1 अरब टीके हम अपने आपसी सहयोग से करेंगे। लेकिन G20 में अन्य देश हैं क्वाड के अलावा, और इन सब के, ये सब अगर मिलकर भागीदार बने और भारत को एक चैंपियन के तौर पर देखें, क्योंकि हमारे यहाँ वो कैपेसिटी है, हमारे यहाँ वैक्सीन बनाने की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अन्य कहीं नहीं है, तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो हम जैसे विश्व के संकट को दूर करने में एक बार फिर अग्रसर रहेंगे, और पहले भी रहे हैं हम। बीच में अफसोसजनक था कि हमारे यहाँ जो दूसरी लहर चली थी उसकी वजह से हमें इसे स्थगित करना पड़ा, लेकिन हम दोबारा विश्व की सहायता के लिए तत्पर हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए ये 5 बिलियन का जो आंकड़ा है ऋतु जी, ये बिल्कुल हमारी फोकस रहेगा, और इस पर अगर हम अन्य देशों के सहायता से अगर हम ये इस पर ये पूरा कर पाए, ये वादा पूरा कर पाए, तो देखिए विश्व गुरु का जो हमारा हमारी हमेशा आशा रहती है कि हमें वो स्थान ग्रहण हो विश्व में, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा संकट नहीं है। और हम अपने आप को पेश कर रहे हैं कि हमें सशक्त कीजिए और हम वापसी में आप सब की मदद करेंगे और हम मिलकर इस संकट से निकल पाएंगे। जी, भारत ने 5 अरब डोज का उत्पादन करने को तैयार है भारत। प्रधानमंत्री ने जब इस बात को कहा G20 के मंच पे, तो भारत की ताकत को तो साबित किया ही चौलिया जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत ऐसे मंचों पर जहां बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, यहां पर हालांकि 20 मजबूत अर्थव्यवस्थाएं हैं, लेकिन भारत आवाज है उन विकासशील देशों का भी, उन अर्थव्यवस्थाओं का जो अभी विकसित हो रही हैं,
जो संघर्ष में हैं, जिनके पास संसाधनों की कमी है, ऐसे में जब इस मंच से प्रधानमंत्री 5 अरब डोज का उत्पादन की बात करते हैं तो उन तमाम देशों को भी मजबूती मिलती है और साथ ही साथ बड़े देश अर्थव्यवस्थाओं को उन देशों के लिए सोचने का एक मौका भी मिलता है। बिल्कुल ऋतु जी, आप देखिए ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका का जो पूरा महाद्वीप है, वहां पर कुछ हुआ नहीं है। जो पूरा वहां पर अफ्रीका में अभी भी टीकाकरण 5% से भी कम है वहां की आबादी में। तो ऐसे में उन कोवैक्स, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोवैक्स एक योजना थी, उसके अंतर्गत उन भारत खास तौर पर एक बहुत बड़ा आपूर्तिकार होने वाला था उसके लिए, लेकिन उसमें विलंब हो गया क्योंकि हमें कुछ महीनों के लिए स्थगित करना पड़ा। तो कोवैक्स जो फैसिलिटी है, एक बहुपक्षीय एक साधन है ये अफ्रीका और जो कम से कम विकसित देश हैं उनके लिए, तो उन सब के लिए मेरे ख्याल से भारत पर ही आशाएं टिकी हुई। और जब हम कहते हैं कि हम इतनी बना पाएंगे, इतना आप दे पाएंगे, तो सभी इंतजार कर रहे हैं भारत का। और प्रधानमंत्री जी ने कभी भी वादा करके मायूस नहीं किया है, चाहे घरेलू राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, ये वादे के पक्के रहते हैं और कार्यान्वयन उनकी खासियत है। तो इसलिए हम झूठे मूठे कोई बड़े बड़े आंकड़े यूं ही फेंकते नहीं हैं। हाँ। तो जब हमने 5 बिलियन कहा, इसका मतलब है इस पर हमने पहले ही एक अध्ययन किया हुआ। वैक्सीन मैत्री के तहत चौलिया साहब, भारत ने बहुत देशों को उस संकट के दौरान एक तरह से सहयोग किया है, उसे अगर मदद का शब्द ना भी इस्तेमाल करें। बिल्कुल सहयोग है। और देखिए, जब हमारा दूसरा लहर जब चला था, तो विश्व इसलिए हमारे मदद के लिए आया क्योंकि वो जानता है कि अगर भारत घुटनों पे आ जाए तो फिर इस संकट से निकलने में बरसों लग जाएंगे या दशकों लग जाएंगे। तो इसलिए एक तरह से आपसी ये सहयोग है, आपने बिल्कुल सही शब्द प्रयोग किया है। और हम आभारी भी हैं उन देशों के जिन्होंने हमारे बहुत ही जब हम जरूरतमंद हो गए तो वो आकर हमारे साथ खड़े रहे। और देखिए, एक और चीज मैं बताऊंगा, प्रधानमंत्री जी ने आज ट्वीट किया था कि जिन जिन विश्व नेताओं से वो मिल रहे हैं G20 में, उन सबके साथ एक आत्मीयता, अपनापन और दोस्ती, एक सहज भाव से वो दिखा रहे थे सभी के साथ। और ये भी एक कारण है कि जब अप्रैल मई में हमारी दशा अच्छी नहीं थी कोरोना की वजह से, तो इतने लोग खुलकर आए और खुले दिल से उन्होंने हमारे लिए आवश्यक सामग्री वगैरह भेजे। तो इसका कारण यही है कि प्रधानमंत्री जी ने भारत की साख बनाई है हम अपनी घरेलू नीतियों की वजह से, और उनकी जो कूटनीति है जिसमें वो इंटरपर्सनल, वो पर्सनल केमिस्ट्री जो हम कहते हैं, वो सब उन्होंने बहुत ऊंचे स्तर तक ले गए हैं। और इसी वजह से जब समस्या हमारे ऊपर आई, तब विश्व बिल्कुल हिचकिचाए नहीं हमारे सपोर्ट के लिए। तो इसी तरह अब देखिए, हमारी स्थिति थोड़ी बेहतर हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता हम इस पर काबू पा रहे हैं, और अच्छे सुशासन के कारण ही ये हो पा रहा है घर पर, और पूरा विश्व इसकी दाद दे रहा है। अभी पोप फ्रांसिस से प्रधानमंत्री जी मिले, उन्होंने भी उनकी दाद दी। जो बाइडन US प्रेसिडेंट दाद दे रहे हैं, यूरोपियन कमीशन ने खास हमें मुबारक दिया है कि हमने 100 करोड़ वैक्सीन करवाई है। सब जानते हैं कि भारत में स्केल एंड ये जो विशाल एक भीम का ही हमारी ये जो आबादी है, उन सबको हम अगर टीकाकरण करवा पा रहे हैं तो ये एक सफल सरकार की निशान है। और इसकी सभी सराहना कर रहे हैं और सभी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि भारत ही सोल्यूशन है। इवन हमारी अपनी जो आबादी है उसको हम अच्छे से टीकाकरण कराएं तो ये भी एक वैश्विक स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा योगदान है। आप सोचिए कि हमारी आबादी कितनी है, लगभग 15% है विश्व की, तो 15% विश्व के, तो हम ऐसे ही उन्हें हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और आगे जाकर हमारी कामना है कि अगले बाकी जो 30-40% जिनको कुछ भी नहीं मिला अफ्रीका में और अन्य बहुत ही पिछड़े देशों में, उन सबको भी मिले, और तभी जाकर हम मिलकर कह सकते हैं कि कोरोना पोस्ट कोविड ऑर्डर की जो बात करते हैं अंग्रेजी में, वो तब तक संभव नहीं है जब तक भारत वापस मैदान में ना उतरे और सभी की निगाहें हमें पर हैं। प्रोफेसर दयाल, करेंगे श्रीराम चौलिया जी, आज ये एक तरह से दूसरा सत्र G20 बैठकों का है और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण का सत्र भी अब तक हो चुका है या चल रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसमें भी चुनौतियां बहुत हैं विश्व के सामने, लेकिन भारत का पक्ष हमेशा से ऐसा रहा है कि जिसमें विकासशील देशों को मजबूती देना ही नहीं बल्कि विकसित देशों का जो भार है वो उन पर ना पड़े, इससे भी बचाना रहा है। क्या आपको लगता है
आज जब प्रधानमंत्री अपनी बातों को रखेंगे इस मंच पर, तो किन किन मसलों पर हो सकता है उनका सबसे ज्यादा जोर रहे? जी देखिए, हमारे हिसाब से दो तीन भारत के लिए बहुत अहम मुद्दे हैं जलवायु परिवर्तन के चर्चे पर। सबसे पहला तो जो हम कहते हैं कि ये जो स्वच्छ ऊर्जा बदलाव हो, ये कैसे हो और इसमें फाइनेंस जो हम कहते हैं वित्तीय सहायता कितनी मिलेगी जो विकसित देशों से, जो विकासशील देशों के लिए, क्योंकि इतना आसान नहीं है ग्रीन ट्रांजिशन करना। और वो भी हमें, हम पर दबाव डाला जा रहा है कि आप ग्रीन ट्रांजिशन तब करो जब आप हमारी अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हम कहते हैं औद्योगीकरण वो सब हुआ नहीं है जितना होना चाहिए। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर हमें ट्रांजिशन करनी है तो साउथ अफ्रीका जो हमारे साथ काफी मिलकर काम करता है विकासशील देशों के हितों में, उसका आंकड़ा है कि हमें प्रतिवर्ष जो विकसित देशों से विकासशील देशों को 750 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता कम से कम आवश्यकता होगी, अगर एक जैसे हम कहते हैं आइडियल सिनारियो में। लेकिन पेरिस समझौते में जब 2015 और उसके बाद से एक आंकड़ा बताया गया कि 100 अरब डॉलर प्रतिवर्ष किसी ना किसी तरह इकट्ठा करके ये ट्रांसफर होगी। और वॉल स्ट्रीट जर्नल वगैरह के अनुसंधान के अनुसार केवल 70 से 80 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष ही हो पा रहे हैं इस तरह की जो नॉर्थ साउथ जो हम ट्रांसफर कहते हैं विकसित से विकासशील देशों को ये ग्रीन एनर्जी के लिए। तो उस हिसाब से देखिए, अगर 70 से 80 बिलियन मात्र ही हो पा रहे हैं लेकिन आवश्यकता 750 की है, मतलब 10 गुना और अधिक हमें फाइनेंस की जरूरत होगी। और इस पर मेरे ख्याल से हमारा जो पक्ष है हमेशा ही साफ रहा है कि क्लाइमेट जस्टिस भी होती है, मतलब जलवायु परिवर्तन की तो बात तो है ही, लेकिन जो पहले जो होड़ हो चुकी है एटमॉस्फेयर में ये कार्बन की, ये पिछले 300 सालों से ये करते आ रहे हैं विकसित देश, और उसकी वजह से सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन है। आज के जो देश जो कर रहे हैं वो कम है उसके मुकाबले, उसका जो असर वातावरण पर। तो एक ऐतिहासिक जो जिम्मेदारी है वो निभाएं। हमारा ये कहना है कि 2030 तक, मतलब अगले 10 वर्षों में ये जो पेरिस, ये जो नेट जीरो की बात कर रहे हैं कि सब कार्बन कम से कम उत्सर्जन करिए, उसमें जो विकसित देश है वो जल्द से जल्द 2030 तक ही कार्बन न्यूट्रलिटी पे पहुंचे। अभी विकसित देश 2050 2060 का ये दिखा रहे हैं चित्र, टारगेट रखे हुए हैं वो। जी और वो, बिल्कुल, और वो बहुत ही अपर्याप्त हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे बल्कि 1.5 डिग्री हम कह रहे हैं ना कि जलवायु परिवर्तन को 1800 से लेकर पिछले 200 सालों में 1.5 डिग्री से अधिक बढ़ने नहीं देना है। और अगर लक्ष्य वो है तो विकसित देश जो है उनको जल्द से जल्द घटाने होंगे अपने जो कार्बन उत्सर्जन है, और बजाय हम पर प्रेशर डालते हुए कि हम भी नेट जीरो का कोई टारगेट डेट बता दें, वो अब पहले अपना जो ऐतिहासिक जो उनकी जो दायित्व है वो निभाएं। तो एक तो ये है, दूसरा प्रधानमंत्री जी जोर देंगे कि जीवन शैली, भारतीय जीवन शैली, देखिए आर्थिक विकास तो हो रहा है भारत में बहुत तेजी से पिछले 7-8 सालों में, लेकिन उसके बावजूद हम बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन नहीं कर रहे हैं। पर कैपिटा एमिशन जो हमारी है, जो हमारी आबादी है उसके हिसाब से देखें तो बहुत कम है। कुल मिलाकर देखें तो क्योंकि इतना बड़ा देश है लगता है कि हम तीसरे सबसे बड़े उत्सर्जक हैं अमेरिका और चीन के बाद, लेकिन अगर आबादी के हिसाब से आप देखें तो हम 10 टॉप 10 में भी नहीं है। हम बहुत कम उत्सर्जन करते हैं कार्बन का। वो इसलिए प्रधानमंत्री जी कहेंगे, जैसे हमारी जो सरल जीवन शैली है, लोग जो है एक्सेस कंज्यूमरिज्म जो हम कहते हैं उपभोक्ता वाली जो माइंड सेट है वो कम है हमारे यहाँ, और हम ये कचरा वगैरह बहुत कम करते हैं वेस्ट। तो इस सब की वजह से वो पेश करेंगे कि देखिए भारत के जीवन शैली से भी कुछ अन्य देश सीख सकते हैं, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसे, उसका अध्ययन करें और देखें कि किस तरह एक विकास के साथ साथ हम लो कार्बन फुटप्रिंट जो हम कहते हैं उसके साथ साथ हम कैसे विकास कर पा रहे हैं। और ये भी एक मॉडल है, प्रधानमंत्री जी ने योग को पूरे विश्व में फैलाने का बहुत बड़ा उन्होंने बेड़ा लिया है और वो बहुत सफल भी हुआ है। लोग मान चुके हैं कि स्वास्थ्य के लिए, विश्व स्वास्थ्य के लिए योग अच्छा है, इसी तरह विश्व स्वास्थ्य के लिए भारतीय जीवन शैली भी अच्छी है।
तो हम चाहेंगे कि हमारा जो सांस्कृतिक जो जो सिविलाइजेशनल जो हमारी धरोहर है वो बांटे और उसमें उसके आधार पर वेलनेस वेलबींग ये सब जो बड़ी बड़ी बातें होती है विश्व में और क्लीन लिविंग एंड लो कार्बन फुटप्रिंट इन सब पर हमारी जो मॉडल है वो और हमारा दूसरे देश देखकर सीखें हमसे और इसी प्रकार बेस्ट प्रैक्टिसेस हम दूसरों से भी सीखना चाहते हैं। हम भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करें ऐसा नहीं कि हम ही सिर्फ गुरु हैं और दूसरे सब शिष्य हैं, हम भी शिष्य बन सकते हैं। तो एक तरह से ये आदान प्रदान वाली बात है और इस पर भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो खासतौर पर लाइफस्टाइल इंडियन लाइफस्टाइल पर जोर देंगे। श्री राम चौलिया जी, कितने सहमत हैं आप एम्बेसडर दयाल की बातों से और क्या आपको लगता है कि भारत अब जो तमाम प्रयास घरेलू स्तर पर कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहा है और खासकर जलवायु परिवर्तन के संकटों को देखते हुए, उसमें शायद अब भारत अपनी बातों को और मजबूती से रख रहेगा, उन्हें बात कहें या मांग कहें? जी रितु जी, बिल्कुल। देखिए, घरेलू उपलब्धियों के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मान मिलता है। तो प्रधानमंत्री जी ने असंभव को संभव करके दिखाया है। जो रिन्यूएबल की जो हमारे टारगेट्स थे 100 गीगावाट सोलर वगैरह, जब पहले हमने इनकी घोषणा की थी लोग कह रहे थे अरे ये तो ऐसे ही दिन में दिवा स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन हमने करके दिखाया है। और अभी भी जिस प्रगति, जिस तेजी से हम निवेश कर रहे हैं इन क्षेत्रों में रिन्यूएबल्स में, ये साफ है। आपने जंगलों के संरक्षण की बात की है, रिफॉरेस्टेशन हुआ है, तो कई चीजें हैं। और नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ये देखिए कि एक विकल्पीय ऊर्जा स्रोत, ये हम बड़े पैमाने पर करने के लिए उतर आए हैं। तो ये सब अगर आप जोड़कर देखें और तो बहुत सारी पहले हुई हैं मोदी सरकार में और उसकी वजह से हम देखिए अब छुप छुप कर नहीं जाते इन बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। देखिए, चीन के राष्ट्रपति तो आए भी नहीं है G20 में और ग्लासगो जलवायु परिवर्तन शिखर में भी वो आ भी नहीं रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि मुंह छुपाने की नौबत आ गई है, क्योंकि चीन जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन में बहुत बड़ा एक मुजरिम बनकर निकला है, इतना ज्यादा उन्होंने कोयला खुद अपने यहाँ जलाया है और दुनिया भर में कोयला के प्लांट्स बनाए हैं विकासशील देशों में, ये अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत। इसकी वजह से अब पश्चिमी देशों के बाद अगर कोई बहुत बड़ा हानिकारक अगर इस खिलाड़ी है तो चीन है। तो इन्हें कोई मतलब अभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ कहने या दावा करने की हैसियत भी नहीं रही, लेकिन हमारे पास है। इसीलिए दबाव के बावजूद प्रधानमंत्री खुद जाकर वहां पर सबसे मिल रहे हैं और खुद राजनेताओं अपने जो समकक्ष हैं उनके साथ वो मिलकर बातचीत करेंगे। वो इसलिए है क्योंकि हमें आत्मविश्वास है कि हम अपना दायित्व निभा रहे हैं, भली भांति कर रहे हैं और यथासंभव, जैसे एम्बेसडर दयाल कह रहे हैं, यथासंभव हम कर रहे हैं। और थोड़ी सी अगर और सहूलियत और ढील मिले हमें, जो हम कहते हैं कॉमन एंड डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उस हिसाब से हम अपने दायित्व निभाने के लिए तैयार हैं। जिस स्तर पर हैं हम विकास की, उसके हिसाब से जो हमें जो भी हमें दायित्व दिया जाएगा हम बखूबी निभा रहे हैं। तो भारत के अंदर जो कायाकल्प हो रहा है, इसकी जैसे मैंने पहले कहा विश्व भर में लोग तालियां बजा रहे हैं और हम आंकड़ों के साथ और जो कंक्रीट जो कहते हैं ऑन द ग्राउंड हमने कर दिखाया है और बदलाव हो रहा है और इसकी सभी मान्यता देने लगे हैं। तो जरूर हमारी इसकी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समझौते और नेगोशिएशन जो होते हैं, बार्गेनिंग जो हम कहते हैं, सौदेबाजी जो होती है, उस पर भी हमारा पक्ष अब ज्यादा मजबूत है, हमारा हाथ जो है अब ज्यादा मजबूत है पहले के मुकाबले। श्री राम चौलिया जी, इस मंच पर जहां तमाम उन चुनौतियों की बात हुई जो वैश्विक चुनौतियों के तौर पर हैं, जिनका हमने अभी तक जिक्र किया, उसमें अफगानिस्तान भी बहुत बड़ा मसला रहा और अफगानिस्तान को लेकर ब्रिटेन ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों की मदद के लिए 5 करोड़ पाउंड देगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस मंच से अफगानिस्तान के जरिए जो संकट उससे लगते हुए देशों की तरफ बढ़ रहा है, आतंकवाद के लिहाज से जो एक बड़ा संकट है, इन विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई? जी रितु जी, पहले जब G20 बनी थी एक राज्य शासनाध्यक्षों के स्तर पर समिट जो 2008 से, तब वो उनका पूरा जो ध्यान था वो आर्थिक विषयों पर ही था। पर आहिस्ता आहिस्ता G20 ये जो सुरक्षा और प्रांतीय सुरक्षा के विषयों पर भी
अभी गौर देने लगा है। और G20 अब अकेले ऐसी संस्था है जिसमें विकसित और विकासशील जो बड़े विकासशील देश हैं उन सबका एक समागम है। तो एक तरह से अंतरराष्ट्रीय समुदाय का एक छोटा सा एक लघु ये एक मॉडल है G20। तो और इस वजह से अफगानिस्तान पे इन्होंने एक अलग एक शिखर वार्ता भी की थी पिछले वर्ष, और ये जब तख्ता पलट हुआ था तब भी। तो अफगानिस्तान की समस्या पर G20 की नजर है। G20 का जो फाइनल कम्युनिक आएगा उस पर अवश्य हम देखेंगे अफगानिस्तान। जॉइंट डिक्लेरेशन में हम उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान को भी लेकर कुछ जरूर होगा जी। और देखिए G20 के पास क्या है, सबसे बड़ा जो एक दबाव का एक उनके पास क्या एक इंस्ट्रूमेंट क्या है, उनके पास है फाइनेंस। और फाइनेंस एक तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जो G20 के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों देशों के अंदर जो आतंकवाद की जो भयंकर लहर चल पड़ी है उस पर काबू लाना, बाहर से प्रेशर डालना, एक तो ये है। दूसरा आपने कहा मानवीय सहायता, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, काफी खराब परिस्थिति है अफगानिस्तान में, लाखों लोग भूखे और बेघर हो रहे हैं और हो भी सकते हैं इस साल के अंत तक। और कहा जा रहा है कि जितने लोग युद्ध में मारे गए पिछले 20 वर्षों में उससे अधिक एक बहुत बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की वजह से हो सकता है। तो इसलिए एकजुट होकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कुछ शर्तों के आधार पर मदद दें। सबसे पहला शर्त है कि तालिबान को मान्यता का सवाल ही नहीं है। अब तक एक भी G20 सदस्य नहीं है जिसने तालिबान को मान्यता दी है इनकी जो नई सरकार है। और इस पर हमें टिके रहना है, इस पर हमें कोई फूट नहीं होनी चाहिए। जैसे कुछ लोगों का मानना था कि चीन जो एक G20 का सदस्य है कि वो शायद मान्यता दे देगा, शायद रूस दे देगा, लेकिन अब तक किसी ने नहीं किया है। इसकी वजह यह है कि भारत भी इसमें सक्रिय रहा है और हम सबको एकजुट होकर एक बहुपक्षीय समाधान की तरफ हम खींच ले जा रहे हैं। और दूसरा एक ये जो मॉनिटरिंग है, काउंटर टेररिज्म जो हम कहते हैं, इस पर भी G20 के देशों के अंदर कुछ छोटे ग्रुप्स हैं, जैसे US इंडिया कोऑपरेशन है या क्वाड कंट्रीज हैं, इन सब के अंदर भी काउंटर टेररिज्म के मैकेनिज्म्स हैं। लेकिन यूरोपीय जो देश हैं जो G20 के प्रमुख सदस्य हैं उनमें कम दिलचस्पी लेते हैं इन चीज़ों में, अफगानिस्तान और सिक्योरिटी में। लेकिन उनके पास भी नकद है, उनके पास भी राशि है ये मानवीय सहायता के लिए। तो मैं कहूंगा कि सिद्धांतों और शर्तों के आधार पर G20 आगे बढ़े और तालिबान को साफ समझाएं कि आप जो चाह रहे हैं कि आपको मान्यता मिल जाए और आप इसी तरह शोषण करते रहे अपने लोगों का और दमन करते रहे तो हमें कतई मंजूर नहीं है। तो इस प्रकार के मेरे ख्याल से उन्हें वार्निंग भी जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आवाज है। UN सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से भी ज्यादा मेरे ख्याल से मैं मानता हूँ प्रभावी अभी G20 है, क्योंकि G20 सुरक्षा परिषद के जो सुधार में कई देशों को अभी दाखिला नहीं मिला है। हम भी स्थायी सदस्य नहीं है, हमें सिर्फ 2 सालों का अस्थायी सदस्यता है वहां पर, लेकिन G20 के हम स्थायी सदस्य हैं। तो यही एक मैं मंच मानता हूं जिससे हम इस प्रकार के, म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है, सूडान में तख्ता पलट हुआ है, अफगानिस्तान में संकट गहरा होता जा रहा है, आतंकवाद का समस्या है, तो ये सब अगर आप देखें तो इन सभी रीजनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स जो हम कहते हैं प्रांतीय सुरक्षा खतरे, इन सब पर भी G20 बहस करेगी और एक साझा एक सोल्यूशन लाने की का प्रयास चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर दयाल साहब आपका भी और श्रीराम चौलिया साहब आपका भी इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।